गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज विनीत तिवारी एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक यूनिट 2 का सेशन 1 है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले में से ये है। तो इसमें होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है। तो कोई भी कंडीशन ऐसी आ गई आपके सामने या किसी परेशानी में आप हैं और मेंटली आप या इमोशनली उसको फील कर रहे हैं, तो उस वजह से जो सिम्टम्स आएंगे या जो परेशानियाँ आपके सामने आएंगी वो स्ट्रेस होता है। और जिस वजह से स्ट्रेस आता है उसको स्ट्रेसर्स बोलते हैं। तो जिस इसमें कुछ एग्जांपल है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्जाम आ रहे हैं लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको लगने लगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मैं फेल हो सकता हूँ। यू आर एक्सपीरियंसिंग द लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, कोई आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसका कहीं लॉस ना हो जाए, कोई बीमार है घर में दादाजी या दादी जी, लग रहा है कि कहीं ये इनको कुछ बीमारी ना हो, इनको कुछ हो ना जाए, उसको लेकर के आप परेशान हैं। वरीड व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ यू डोंट कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप सही से कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आपको फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। तो आज जो है हम इसको, तो सबसे पहले होता क्या है, ABC टेक्निक का यूज़ करते हैं अगर किसी को स्ट्रेस है तो। वो डॉक्टर से जैसे मिलेगा, साइकेट्रिस्ट हैं जो मनोरोगविशेषज्ञ, उससे बात करेंगे। तो वो सबसे पहले एडवर्सिटी फाइंड आउट करेगा कि हुआ क्या था। जैसे वो पूछेगा कि आपको, आपके साथ क्या इवेंट हुई, क्यों परेशान है आप, तो पूछेगा बहुत सारे सवाल। उस वजह से वो कहेगा कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस, तो कहेगा हाँ। तो एडवर्सिटी कहाँ से कोई चीज़ आई, बिलीव तो क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसको आप कैसे ले रहे हैं। तो वो कहेगा कि देखिए मेरे पास कोई सब कुछ था, वही मेरा नुकसान हो गया, तो मैं तो फ्यूचर मेरा ख़राब है। तो उसने ये चीज़ें अडेप्ट कर ली उसको लेकर के, वो होती है बिलीव्स। फिर कॉन्सिक्वेंसेज, उसके परिणाम क्या है, नींद आनी कम हो गई, भूख लगना बंद हो गया, उसको जो है हेडेक रहने लगा, एंजाइटी घबराहट रहने लगी। तो ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई चीज़ हुई क्यों और कैसे उसने उसको अडेप्ट करा और उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसको, इसके बाद इसमें जो होता है कि हमें करना क्या चाहिए अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए, तो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, वैकेशन पे जाना चाहिए फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और जो है आपका नेचर वॉक पे जाना चाहिए, और जो है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सब आपको, और आपकी हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, और आपको कुछ इस तरह का नहीं खाना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए नुकसान हो। हमेशा जो है विटामिन प्रोटीन, इसमें ओमेगा 3 वाली और जो है बी कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें यूज़ होता है। तो मेनली तो ये है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, और जो है अपना नेचर वॉक पे जाओ, वैकेशन पे जाओ फ्रेंड्स के साथ, अपने आप को कभी भी खाली मत छोड़ो, क्योंकि आप खाली छोड़ेंगे तो आपके माइंड में जो है अलग अलग टाइप के थॉट्स आएंगे निगेटिव वगैरह, तो वो आपको और परेशानी में डाल देगा। और अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो यू शुड कॉन्टेक्ट टू साइकेट्रिस्ट, और आप जो है उससे दवाइयाँ वगैरह भी, वो आपको कामिंग सेंसेशन आपको देने के लिए आपको दवाइयाँ देगा वो। तो इसमें से जो है मोस्टली क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस की डेफिनेशन और ABC टेक्निक आती है और क्या क्या हम चीज़ें इसको ठीक करने में कर सकते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें यही है बस। हैव अ गुड डे, थैंक यू।